टेलीग्राम पे मेरे जो चैनल्स हैं वो हैं आपका ये टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा ट्रेडिंग यूनिवर्स है ओनली फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर फायर्स एंड एंजल क्लाइंट्स एंड वी अ ट्रेडर्स आर्मी एंड कमोडिटी यूनिवर्स वेर वील गिव एंट्रीज ऑन क्रूड एंड एवरी ओके तो ये परफॉर्मेंस के लिए आप ये चीजें देख सकते हो कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है ये चीजें फ्री रखी गई थी आपके लिए ताकि आप लोग एंट्री कर लो अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है रैंको ट्रेडिंग को लेके जो आपके मन में भ्रांतियां हैं उनको मैं दूर करने जा रहा हूं तो कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्लेम्स दूंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट दूंगा ताकि आपके दिमाग के घोड़े थोड़े से खुल जाए हाउ यू डोंट इंटरप्रिट द डेटा इन अ वे विच आई डू मैं जैसे करता हूं क्या आप भी चीजों को वैसे देखते हो So, अगर आप रेडी हो तो वीडियो को देखो वरना छोड़ के चले जाओ अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि बिना लाइक किए बिना सेव किए इस वीडियो के साथ ना इंसाफी बिकॉज आई एम डिस्कसिंग द थिंग्स विच आर वेरी क्लोज टू मी मुझे सालों साल लग गए हैं चीजों को समझने में मैं आपके लिए वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि देखो अभी YouTube पे अपन हिट करने वाले हैं 22 के सब्सक्राइबर्स मेरे ख्याल से पांच छह लोग और फॉलोअर्स बाकी हैं आप मुझे वो खुशी दो उससे पहले मैं आपको ये खुशी देने वाला हूँ सो जस्ट फॉलो दिस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को बिकॉज एक हजार लाइक से नीचे मैं कुछ नहीं लूंगा ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एंड इफ यू डोंट एग्री विद मी तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना कोई झंझट की बात नहीं है बिकॉज इफ़ एम नॉट प्रोवाइडिंग वैल्यू तो कहे को रहोगे मेरे साथ है <laughs> ना एन थिंग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ना दिस इज़ वॉट आई एम दिस इज आवर टॉक ओके देखो अभी कई लोग लग रहा होगा टाइम पास कर रहे हैं ऐसे बिट्स बढ़ाने के लिए तो भैया यूट्यूब से उतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं टाइम पास करके अपना टाइम वेस्ट करूँ ठीक है कंटेंट देना है मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल चीज़ें बतानी है इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ देखिए निफ्टी बैंक का ये पांच मिनट का चार्ट है एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अ स्ट्रेटजी ऑन रैंको अ स्ट्रेटजी ऑन रैंको अच्छा रैंको जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि देखिए रैंको चार्टिंग क्या होता है रैंको चार्टिंग मतलब जैसे ये प्राइस है राइट तो ऐसे ही हम एक बॉक्स डिफाइन करते हैं वो बॉक्स का जैसे साइज हो सकता है ट्वेंटी फाइव वो साइज हो सकता है फोर्टी वो साइज हो सकता है फिफ्टी वो साइज हो सकता है फाइव डिपेंडिंग ऑन द ए वैल्यू यानी एवरेज टू रेंज जिनको यह भी नहीं मालूम है वो थोड़ी देर के लिए मुद्दा समझ जाओ फिर उसके बाद समझोगे। अब ये ATR -based को क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं देखो ए टी आर क्या होता है एवरेज टू रेंज यानी कि अगर पांच मिनट का कोई हाई और लो है तो क्या हमने ब्रेक करके कितना ऊपर जा रहे हैं कितना लो जा रहे हैं क्या है उसके बेसिस में बॉक्स डिफाइन होता है जैसे मैं ए बोल दूं कि 21 मतलब 21 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मतलब पीरियड्स का ट्वेंटी ट्वेंटी okay? लेकिन जब मैं पांच मिनट की बात करता हूं तो 21 पीरियड्स ऑफ मिनट अगर मैं वन आवर की बात करूं तो वन आवर के 21 पीरियड्स अगर डेली की बात करूं तो फिर डेली चार्ट के वन आवर पीरियड सॉरी डेली चार्ट के ट्वेंटी पीरियड्स की बात कर रहा हूं मैं अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिमाग के घोड़े खोल दो अगर तुम्हारे मन में कुछ भी शंका हो तो वीडियो मत देखो बिकॉज तुम एग्री नहीं कर पाओगे मुझसे है ना लेकिन अगर तुम मुझ पर जरा सा विश्वास है कि यार ये बंदा पीएचडी करने के बाद में जॉब छोड़ के साइंटिस्ट

ये बहुत लॉन्ग टर्म ड्यू प्लान था मेरा जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ है ना तो आपको करना क्या है बेसिकली अगर आप पाँच मिनट का चार्ट फेयर करते हो तो कैसे ट्रेड करते हो मान लीजिए ये सुपर ट्रेंड है सुपर ट्रेंड है तो ये बता रहा है कि बाई करना है तो मेरा कहना ये रहता है भैया इस पर बाई मत करो आप यहाँ पे कैंडल क्लोज होने दो उसका हाई क्रॉस करने पे बाई करो और ये आपके लिए डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का, का काम करते रहेंगे ये क्या काम करेंगे रेजिस्टेंस का काम करेंगे ये क्या काम करेगा सपोर्ट का, का काम करेगा जैसे ये है ना तो ये रेजिस्टेंस का काम कर का 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 रहा है क्या कर रहा है रेजिस्टेंस का काम कर का रहा है है ना तो मैं मेरा कहना ये रहता है कि आप इससे सिर्फ सिग्नलिंग सिस्टम की तरह नहीं यूज़ करके इसको डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आप यहाँ खरीदोगे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी आप यहाँ पे ऐसे लेके इसको खरीदोगे ठीक है लेकिन कई बार होगा क्या कि इस पाँच मिनट के चार्ट पे आप ये देखोगे नीचे आ रहा है आप घबरा जाओगे आप

मेथडोलॉजी so, मेथडोलॉजी जिससे कि आप पांच मिनट के चार्ट पे ही हम रैंक को कैसे सेट करते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे और कैसे आइडियल ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन लेवल्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्री करते हो नहीं करते हो लाइक बटन दबाओ तब आगे बढ़ते हैं करो बे कुछ नहीं होता टेंशन <laughs> मत लिया करो इतना अब यहां पे देखिए ये चीज हो गई कि पांच मिनट के चार्ट पे मैंने ये चीज बताई आपको अब यहां पे चलते हैं सीधा मैं यहां पे एक और चार्ट पैरेलली ओपन करता हूं वो है रैंकों का पांच मिनट का चार्ट अब रैंकों पे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में आएगी पहली चीज़ कि ये ट्रेडिशनल कौन सी चीज़ होती है ये चालीस क्या लिखा हुआ है ये पाँच मिनट पे कैसे समझ में आएगा क्या होता है ये तो रैंकों चार्टिंग के लिए पहली बात तो आपको मुश्किल ये आएगी कि ट्रेडिंग व्यू में रैंकों के लिए आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए लेकिन आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पे अब अच्छी चीज़ों के लिए तो चीज़ें हैं ही ना कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना इसीलिए तो इसको छुपाया गया है तो आप लोगों से डेली चार्ट के अलावा कुछ देख नहीं सकते हो दिमाग के घोड़े खुल रहे हैं थोड़े से और नो नहीं खुल रहे वीडियो अच्छा नहीं है तो जाओ मत देखो इट इज नॉट लाइक दैट अब सिंपल भाई यहां पे तू सेल करता तो यहां तक कम से कम होल्ड तो कर लेता यहां बाई करता तो कम से कम यहां तक होल्ड तो कर लेता यहां से सेल करता तो कम से कम यहां होल्ड तो कर लेता अरे कुछ ना करता तो 50 पॉइंट तो ले लेता अल्टीमेटली इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई तेरे जिंदगी में अगर जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब तो दोस्त की तरह बात करता हूं मैं है ना तो अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम सफर कर रहे हो पांच पॉइंट के लिए दस पॉइंट के लिए सो अगर तुम्हारे पास ट्रेंड हो तो तुम क्या नहीं उखाड़ सकते राइट सो बेसिकली वैप इन रैंको दैट सी दो चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट पहली चीज ये कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है पांच मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं अब ये फोर्टी आया कहा से बॉक्स कहां से डिफाइन हो गया कैसे हुआ है ना तो यहाँ पे क्या होता है देखिए आप कभी भी जब पांच मिनट के चार्ट पे यूज करते हो तो बोलेगा भैया ये तो रिपेंट होता है रिपेंट होता है अच्छा चलो मैं तुम्हारे तोते उड़ाता हूं ये कैंडल है पांच मिनट पे क्लोजर पे तुमने खरीदी अब पांच मिनट की अगली कैंडल तुम बिलीव कर रहे हो ऊपर जा रही है ठीक है अब बिलीव कर रहे हो ऊपर जा रही है अब इसकी प्रिंटिंग भी पांच मिनट पे होती है ठीक है यहां पे होती है अभी कैंडल ऐसे ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है ऊपर जाती है तुम तो क्या कर रहे हो ये रिपेंड नहीं है ये नीचे नहीं जा रहा है ऊपर नहीं आ रहा है तो नीचे जाएगा ना मामला तब खराब होगा जब इसका लो तोड़ देगा करेक्ट मामला तब खराब होगा जब सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाएगा इज इट नॉट सेम चीज होती है लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंडलस्टिक्स के साथ हमारे साथ आती है मैं नहीं बोलता कि मैं ट्रेड नहीं करता कैंडलस्टिक्स से मैं ट्रेड करता हूं लेकिन उनका क्रिएशन ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम में एवरीथिंग लुक्स गुड ठीक है अब यहां पे क्या होता है रैंकू इज कैलकुलेटिंग ओनली द डिफरेंस बिटवीन द हाईज एंड हाईज मान लीजिए ये है हाई अब अगली कैंडल यहां क्लोज हो गई इस जगह पे ठीक है तो इन दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पांच मिनट में अगर वो इस बॉक्स के मल्टीपल्स में है तो यहाँ प्रिंटिंग होगी वरना नहीं होगी अगर गिनती गिनी जाए तो 20 तारीख को और अगर गिनती गिनी जाए तो 20 तारीख को कितना टाइम हुआ था 20 तारीख को कितनी कैंडल छुपी है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह लेकिन थर्टीन इंटू मतलब क्या अबे इतनी तो 12 इंटू पांच तो एक घंटे की कैंडल होती है ये पूरे दिन में इतना कम क्यों छापा बिकॉज देर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन दिस सी अगर मेरी कैंडल यहां पे क्लोज हो रही है और अगली कैंडल इसी मर रही है इसी के अंदर तो यहाँ प्रिंटिंग नहीं होगी ना बाबा क्योंकि मूव नहीं किया ना कुछ भी ना ऊपर ना नीचे नहीं पता ये चीज पता है नहीं पता है अगर नहीं पता तो थोड़ा पढ़ो उसके बारे में ठीक है और मैं वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा हूँ बट गोवा में वर्कशॉप होने वाली है अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो वहां पे आ जाना बाद में मैं वीडियो खत्म होने के बाद में लास्ट लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा ऑफर भी है उसमें वो भी बताऊंगा लेकिन पहले इसको समझो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है आपको आपको करना है सिंपल देखो यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है कि आपको स्विंग हाई बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जैसे आप ये लाइनें खींचते रहते हो ना तो यहाँ पे देखो ये स्विंग हाई मिल रहा है आपको स्विंग हाई मिल रहा है आपको पता है यहां से सिग्नल आया लेकिन दिस इज गोइंग तो टू बी हर्डल तो 42 520 के ऊपर अपन ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं दिमाग में क्लियर हुआ 42 520 के ऊपर अपन ढूंढ सकते हैं करेक्ट एक और चीज क्या समझ में आ रही है यहां पे कुछ सिग्नल यहां पे सिस्टम समझ में आ रहा है आपको यहां ब्रेकआउट हो सकता है ब्रेकआउट हो सकता है नहीं हो तो यहां से ब्रेकआउट भी हो गया अब मेजर क्वेश्चन ये आते हैं सर कौन सा ब्लॉक रख दू यहां पे तो देख भाई चल अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो एक घंटे में अब अंधे की तरह बंदे क्या करते हैं यहां पे सबसे बड़ा टीचर वो क्या करता है एटी आर ट्वेंटी वन लाके यहां पर ट्रेड करवाता है ट्वेंटी वन अबे गधे तुम्हें नहीं बोल रहा हूं मुझे गुस्सा इस बात पे आता है दो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स दे आर टीचिंग यू शिट टीचिंग बुलशेट वीचिंग बुलश वाई बिकॉज देखो सिंपल 21 21 क्या था? 21 की बात थी 21 ट्वेंटी क्यों क्योंकि एक महीने में एक महीने में डेली चार्ट पे, अगर हम देखें तो 21 ट्वेंटी 22 डे दे, ट्रेडिंग डेज होते हैं लॉजिक मुझे वो समझ में आया

पॉइंट क्या है ए टी आर ट्वेंटी वन क्यों नहीं मैंने आपको बताया क्यों नहीं अब क्यों क्या है सिंपल है क्या चीज ये तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से यहां पे एक घंटे में अगर पांच मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे लल्ला तो एक दिन का लेके क्या करेगा एक दिन का ब्रेकआउट लेगा क्या उखाड़ लेंगे अपन उससे कुछ भी नहीं तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं कि मैं अगर देखना चाहता हूं कि एक घंटे में क्या सीन चल रहा है एक घंटे की कैंडल के अंदर <coughs> तो मेरी अगर मैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए मैं वीडियो बहुत नॉर्मली भी बना सकता हूं लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि तुम्हारे दिमाग के घोड़े खोले तुमको सोचना है अगर सोचोगे नहीं तो सोचते रहोगे है ना सोचना है दिमाग को यूज करो भगवान ने इतने न्यूरॉन्स दिए ना आतंक मचा सकते अपन <coughs> जब रात के साढ़े ग्यारह बजे कुछ वीडियो बना रहे ना तो लॉजिक है तो रीजन है उसके पीछे ऐसा कोई टाइमिंग का खेल नहीं है रीजन ये है दिन खत्म हो गया आपने अच्छा काम किया अब सोसाइटी को थोड़ा सा हर वीक में मैं कुछ ना कुछ वैल्यूबल चीज आपको दे के जाता हूँ ये मेरा उद्देश्य है हमेशा देखोगे वीडियोस खोल के देख सकते हो हिस्ट्री में समझ में आ जाएगा आपको अगर मैं बोर कर रहा हूँ लॉजिकल नहीं लग रहा है या मुद्दे की बात नहीं करता हूँ ऐसा लगता है अगर आपको तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाओ कोई बात नहीं बात तो मैं वीडियो तो ऐसी बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियोस बनते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फॉलोअर्स के लिए जिनको इंटरेस्ट है चीजें सीखने में है ना ऐसे नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए कि भाई कंटेंट के लिए लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो इतने पैसे मिल जाएंगे उतने पैसे उसके लिए नहीं बना रहे उसके लिए तो अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना यार है ना ट्रेडिंग तो अपन अच्छी करते हैं वो तो उसके लिए तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो कि हाउ वी डू अब चलो यहाँ पे बैक बैक दोबारा आ जाओ वापस क्योंकि मैं बात ज्यादा करता हूं ना तो यहां पे हम क्या बात कर रहे थे एक घंटे की कैंडल है एक घंटे की कैंडल में पांच मिनट कितने होते हैं तो बोले यार बारह होते हैं बारह इंटू पांच होते हैं कि नहीं होते हैं साठ मिनट का ही एक घंटा होता है ना तुम्हारे शहर में तो बस बारह इंटू चार तो अब क्या हो गया ए आर ऑफ दैट ट्वेल्व पीरियड वाई नॉट दैट ट्वेल्व पीरियड बड़ी ट्रेडिशनल ए आर कितना बारह कितना है अभी अब तुम मुझे बताओ ए टी आर ट्वेल्व में बेहतर दिख रहा है या ए टी आर ट्वेंटी वन में बेहतर दिख रहा है देख के बोल मिस हुआ कि नहीं एंट्री मिस हुई यहां पे और यहां तो कुछ मिला ही नहीं बाबा जी का घंटा कुछ नहीं सो इज इट करेक्ट और दिस इज करेक्ट आई आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू मैं नहीं आर्ग्यू कर रहा हूं तुम मुझे बताओ दिस लुक्स बेटर और दैट लुक्स बेटर यू हैव अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यू हैव अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अब मैं आपको लिंकअप करके चीजें दिखाता हूं मजा ही आ जाएगा जीवन में आपके अब ये बोलोगे सुपर ट्रेंड कौन सा है भाई अभी इतने सारे हमें क्या लगा रखे हैं आप जो कई सारे लोग ऐसे गुस्सा देखेंगे वो नहीं मिलने वाला तुमको तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या करना है टेन क्लोज टू पॉइंट वन What is the super trend reading here? Super trend क्या है reading? Ten close two point one, right? So you have a five minute. That is why this video can change your trading career, my dear friend. It has that much power. मैं दिमाग को बिल्कुल समझ लो। YouTube की history में, geography में, civics में किसी ने तुमको ये concept इस तरीके से समझा दिया हो, और वो उसके लिए

आप ट्रेड लेते जब आप 9:20 की कैंडल को यहाँ पे क्लोज करते हुए देखते यानी 42.575 पे वो क्लोज कर गया आप ट्रेड ले, ले लेते राइट 42.575 पे ट्रेड लेते ना और यहाँ पे सिग्नल कब जनरेट हुआ है तो आपका बाई सिग्नल जनरेट हुआ था करीब करीब मेरे ख्याल से सुबह सुबह ठीक है सुबह सुबह जनरेट हुआ आप यहाँ पे आए सुबह सुबह जनरेट हुआ किस लेवल पे जनरेट हुआ और कहाँ पे आप बाई करते तो आप बाई करते इस जगह पे कहीं राइट इस जगह पे कहीं मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा वाइट कलर में मार्क कर देता हूँ वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन ध्यान से सुनना अब देखो अपने पास एक थोड़ा सा प्रीमियम चीजें हैं तो यहाँ पे लेवल आ गया है ना तो आप यहाँ कहीं खरीदते इस जगह पे या फिर आप इसके हाई क्रॉस करते ही खरीद लेते हो कैसे करते हो आप दोनों चीजों में एग्री कर दो जो जो आपको सही लगे आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट है इस जगह ब्रेकआउट है ना तो मैं इसके ऊपर खरीद सकता हूँ सर नो मैं इसके ऊपर खरीद सकता हूँ 920 की कैंडल पे क्लोज करने पे खरीद सकता हूँ यहाँ पे है ना 920 की कैंडल पे क्लोज करने पे यहाँ पे खरीद सकता हूँ वेर इज द ब्रेकआउट आप क्या करोगे ऐसे लाइनें ड्रॉ करते फिरोगे ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने आप बोलोगे सर इसके ऊपर निकलेगा ना मैं खरीदूंगा सर है ना इसके ऊपर निकलेगा ना मैं खरीदूंगा सर तो आप यहाँ पे भी तो खरीद सकते सेम जगह पे यस और नो अगर 920 की कैंडल मान लो ये क्लोजिंग पे आपने खरीदी मान लीजिए इस जगह पे खरीद लिया आपने पे ये कैंडल पे यहाँ पे खरीद लिया ठीक है जी ये 920 की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और आपने इस जगह पे एंट्री मारने की सोची ठीक है कैंडल तो यहाँ क्लोज हुई आपने यहाँ पे एंट्री मारने की सोची अब यहां के बाद आपको ब्लॉक कितने मिले अब यहां पे टाइम पास होता रहा लेकिन यहां क्या सेल सिग्नल आया नहीं आया अगर आपने एंट्री इसमें ले ली तो उसके बाद एक दो तीन चार पांच यहां पे आपकी धड़कने बढ़ी और यहां पर यह ब्रेकआउट दिया कहां तक गया फोर्टी टू सेवन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री कहां तक गया एग्जैक्टली exactly अगर मैं इसकी क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री करूं तो दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल

और ऊपर ले जाने के बाद में इसने यहां पे नीचे की तरफ फिर से लेके आया आपने फिर शॉर्ट कर दिया यहां लॉन्ग कर दिया फिर शॉर्ट कर दिया यहां पे लॉस खाया आपने यहां पे भी लॉस खाया आपने तो बेसिकली एट 11:55 एट 11:55 मैंने क्या किया यहाँ यहां ऊपर ले तुम्हारा गया तुम्हारा एसएल कट गया तुमने फिर से यहां पे ट्रेड इसको लो पे दिल मारा होगा तो 1155 पे ट्रेड बनता था 1155 पे इसने ट्रेड इनिशिएट कर दिया लेकिन जब तुमने लिया तो तुम इस मेथड को फॉलो कर रहे थे तुमने अपना एसएल कटवा लिया और यहां पे फिर से ट्रेड लिया जिसमें फिर से एसएल लग गया और अब की बार जब उसने लो तोड़ा तो यहां पे थे तो हमारे पास अल्टीमेटली कितने पॉइंट मिले हमको अगर लॉजिकली सोचेंगे तो हमें कितने पॉइंट मिले आपने यहाँ पे लिया तो लो क्लोज होने पे यहाँ पे ट्रेड लिया होता फॉर एग्जांपल तो आप कितने पॉइंट कैप्चर कर पाओगे मेरे दोस्त बताओ ना मेरी डार्लिंग कितना इतना इतना ही कर पाओगे ना और इसने क्या किया यहाँ पे लास्ट अनप्रिंटेड स्टेट में चीजें दिख रही हैं तो ये 520 तक अगर मान लो 513 तक बुक कर लिया तुमने 513 पे बुक कर लिया मान लो इस कैंडल पे क्लोज किया होगा ना ये जो कैंडल है ना यहां पे क्लोज किया है वहीं पे तो हम खड़े हैं और इसमें तुम्हें कितनी धड़कने बढ़ी होंगी और क्या इसमें तुम्हारी धड़कने बढ़ी है मेरे दोस्त नहीं ना लॉजिक समझ में आ रहा है दोनों चीजों में तुम कैंडलस्टिक ट्रेड कर रहे हो और यहां पे भी वही चीज कर रहे हो लेकिन यह तुम्हें ज्यादा लॉजिकल लग रहा होगा एग्रीड और नॉट एग्रीड राइट अब यहां पे क्या किया मैंने एट या के हिसाब से निकाला था ट्रेडिशनल में गया फोर्टी सेट कर लिया हो गया काम देखो अभी लास्ट देखो कंपेयर करते हैं 14-10 17 जनवरी 14-20 को ब्रेकआउट आया 14-20 को ब्रेकआउट आया कहां पे ब्रेकआउट आया 14-20 को ब्रेकआउट आया देखो ध्यान से 17 जैन को 14-20 को इसने बड़ी तड़प तड़प के आग लगा दी और यहां पे इसने ब्रेकआउट दे दिया तुमने ट्रेड ले लिया और तुम्हारा लगो एसएल लगा कि नहीं लगा मेरे को बताओ मेरे दोस्त और मेरी जान उसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ यहां पे देखो तुमने फिर से ट्रेड लिया 14 .10 को क्यों इस हाई के ऊपर क्लोज कर गया मेरे दोस्त और तुम यहां ना लेते तो यहां लेते और फिर एस नहीं कटा इस पे ट्रेड लिया तुमने एस नहीं कटा फिर तुमने ट्रेड ले लिया ऊपर की तरफ लेकिन घबराओगे कितना लाल लाल देख के और इसने कब दिया है फोर्टीन टेन 1410. दोनों में टाइमिंग देखो तुम आज जो ये चीज पढ़ा रहा हूं ना जिंदगी में कोई पढ़ा दे तो बता देना मेरा नाम यहाँ पे 1410. और यहां पे कितना 1410. और यहां पे आया ब्रेकआउट और इसने ले गया आपको करीब करीब कितना पॉइंट 42 टू 82. अगर मैं दोनों चीजों को कंपेयर करूं तो मैं यहां तक गया हूं ना इस जगह पे क्लोज किया मैंने देखो जाके 1525 स्क्रीन पे सामने है तुम्हारे एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू एडिशन फ्रॉम माय एंड एंड दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज दैट मैं आपको बताऊं कि रैंकों को ट्रेड एक्चुअली कैसे करते हैं ऑन अ फाइव मिनट चार्ट साउंड गुड स्टार्ट यूजिंग इट ओके चीजों को प्रॉपरली समझना सीखो राइट एंड वेन आई एम टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट टू ऑलमोस्ट कितने लोग मेरे ख्याल से डेढ़ हजार से दो हजार लोगों को मैंने इंडिया में सिखा दिया होगा अभी तक राइट सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस कंटेंट तो आई शो केस दैट हाउ यूज यूज प्राइज एक्शन विद ऑप्शन मास्टर क्लास मीन ऑप्शन मास्टर क्लास मेरी रैंक को बेस्ड होती है And price action, को मैं नॉर्मल कैंडल स्टेक्स और पे सिखाता हूँ ये मेरा लेना नहीं लेना जिम्मेदारी है पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट so you know, कुछ भी नहीं ऐसा होता और मैं इस तरीके से चीजें परफॉर्म करता हूं अब मैं आपको सिखाता हूँ देखो यहाँ पे दिस थिंग आई एम गीच यू इन गोवा ओके वन डे ट्रेडिंग वर्कशॉप विच आई डिड इन दिल्ली डेली में किया था एंड एक्सपायरी स्पेशल है यह, क्योंकि के दिन हम सीखने वाले अब यहां पर क्या है रिपेटिंग इश्यू आई है मेथड जिसमें आप नॉन रिपेंटेबल रैंको स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा नॉन रिपेंटेबल रैंको दिमाग में डालो इस बात को रिपेंटिंग क्या होता है रैंको का पढ़ो उसके बारे में आई हैव डेवलप्ड मेथड नॉन रिपेन्टेबल रैंको शेडो कैंडल से कैसे हम धीरे 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 करके नॉर्मल कैंडल्स में किस तरीके से आके रैंको ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ

काउंटर करो ना कमेंट करो कैसा लगा आपको ये वीडियो वैल्यू आई कि नहीं आई कमेंट जरूर करना दोस्तों से शेयर करना जिसकी भी केयर करते हो तुम की उसकी ट्रेडिंग सही नहीं चल रही है गो एंड शेयर दिस वीडियो ऑन एवरी प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट अपने दोस्तों के साथ अगर थोड़ा सा भी जस्टिस करना चाहते हो मेरे टाइम के साथ अपने जितने ग्रुप्स हैं वहां स्पैम करो कुछ भी करो और जो पहली बार आ रहे हो Like this video, subscribe to the channel, and if I have provided you value, share it with your loved ones. Okay? आप सोचो ये सेम कॉन्सेप्ट्स को, को कैसे चीजें yeah, कई लोगों को लगेगा सर इतना फ्री स्ट्रेटजी में बता दिया आप और ये चीज से तो आपका ब्रेड एंड बटर छिड़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता जी दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता जिनको सीखना है वो सीखते हैं बट समाज के लिए सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए क्योंकि मेरा मानना ऐसा जितना दोगे उतना मिलेगा जो दोगे वो मिलेगा अच्छी वैल्यू दोगे वैल्यू मिलेगी अच्छी वैल्यू नहीं दोगे गाली दोगे गाली मिलेगी है <laughs> ना गंदी चीज करोगे चीट करोगे किसी को चीट हो जाओगे किसी ना किसी दिन तो प्लीज कीप इट माइंड इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना आप अच्छा करेंगे उतना अच्छा होगा आपके साथ माता जी हैं सामने पीछे देखो दिख रहे हैं ये हैं. इनके सामने क्या है राइट सो प्लीज प्रोवाइड वैल्यू टू दीपल ओके कई लोगों को भाषण लग सकता है बट दैट्स हाउ माई लाइफ इज दैट्स हाउ आई टीच दैट्स हाउ आई इंटरेक्ट विद माई यू नो लव एंड आई वॉन्ट दैट योर गेम इंप्रूवस एंड बिकॉज बहुत लॉस होता है लोगों का और बहुत दुख होता है देख देख के तो जब अपने दिन अच्छे चल रहे हैं तो थोड़ा दिन आपके भी अच्छे चले राइट वेन आई कैन लीव दॉब सो मच पीपल है स्ट्रेटेजी अर्न समथिंग गुड लालच से नहीं मेथडोलॉजी से सीखो ठीक है मेथड्स को फॉलो करो सीखो कोशिश करो सीखने की ये चीजें समझने में मुझे कितना टाइम लगा होगा लेकिन आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके साथ जस्टिस करो ठीक है वीडियोस को लाइक like करो शेयर करो दोस्तों क्राउड्स में भेजो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था ना आज दस हजार फॉलोअर्स हैं विदाउट एनी यू नो किसी की मदद के किसी चीज के ना मुझे कुछ पता कि वीडियोस कैसे बनाना क्या करना है ना लेकिन अगर मैं पहुंच सकता हूं मैं कर सकता हूं तो ठीक है आप भी कर सकते हो और देखो फाइनेंस का तो मेरे को ए बी सी डी भी नहीं पता था जिनको नहीं पता ना वो मेरा प्रोफाइल जाके देखोगे तो बोले भाई तू यहाँ कहाँ से आ गया है ना ये आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ गूगल स्कॉलर पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ओके ये देखिए, ये ये मेरा प्रोफाइल है दोस्त और इस प्रोफाइल के साथ में फाइनेंस का तो कोई भी रिलेशन नहीं है आई एम बी इन मार्केटिंग बट इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया ना कि मैंने देखो अपनी कोर छोड़ दी आई वॉज साइंटिस्ट इन सनफार्मा एंड मैंने वो छोड़ के जॉब शुरू कर दिया एंड जॉब छोड़ के मैंने ये दिज आर माई कलीग्स नो स्विलेरी राइट नाउ इनडर्स एंड मनीष सर स्नेहा कमला वशु मैम एंड हरमंद जोशी दिज आर फ्यू ऑफ दीपल साइंटिफिक विद ये पेपर्स देखोगे ना तुम्हारी आंखें इधर उधर हो जाएंगी ठीक है जितने लोग साइंटिस्ट साइंस जानते हैं वो लोग समझेंगे व्हाट इज़ द ऑफ़ ऑल दिस सो अब मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि चीजें सीखोगे बेहतर बनोगे नहीं सीखोगे वहीं रगड़ते रहोगे है ना तो सीखने की कोशिश हमको करनी है तो बोलेगा सर निफ्टी में काम करता है क्या सर तो बोले भाई जाके देखना कि निफ्टी में काम करता है कि नहीं करता है कौन रोक रहे तेरे को कर ना समझ में आ रहा है जैसे इसने यहां पे शॉर्ट करा था कितने बजे करा था शॉर्ट 11:15 पे शॉर्ट कर दिया था ये कितने पे शॉर्ट किया यहाँ पे देखिए आपके पास बीस तारीख बीस तारीख को कब शॉर्ट हुआ है ये इधर शॉर्ट किया फिर उसके बाद ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आ गया ठीक है नीचे आया कितने पे थे इलेवन 11:55 के को इसने लो तोड़ दिया हम इसके साथ हिसाब से ट्रेड करेंगे हम क्यों करेंगे ऊट पटांग काम ये देखिए इलेवन को यहाँ ब्रेकडाउन हुआ होगा तो उसको इसने कैप्चर करा है यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ ये दिस ब्रेक डाउन हैज बिन कैप्चर्ड बाय दस एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूंकि यहाँ पे यहाँ पे देखिए नहीं इधर पैसा मिला इसने ये क्या किया 1055 को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ये कौन सा है टेन फोर्टी वाली कैंडल है एंड टेन थर्टी फाइव वाली कैंडल ये है तो यहाँ पे टाइम पास किया इसने टेन फिफ्टी फाइव को ब्रेकआउट दिया है इसने कैप्चर कर लिया टेन थर्टी फाइव टेन फिफ्टी फाइव ये इलेवन तो इसने जो ये पंद्रह बीस पॉइंट यहाँ कैप्चर करें फिर उसके बाद नीचे आया सेल दे दिया सेल देने के बाद में ये ऊपर गया कुछ नहीं होगा जब तक ये कटेगा नहीं तो इसके बाद में इसने फिर ब्रेक कर दिया नीचे की साइड और जिसमें जितने पॉइंट मिले हमको कितने पॉइंट मिले पंद्रह एक दो तीन चार यानी 60 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे आप कितनी बार एंटर करते कितनी बार एग्जिट करते तो दिस इज द स्वीट फ्लो राइट माय डियर फ्रेंड्स 1350 को ब्रेकआउट आया कब आया 17 जनवरी को 17 जनवरी का ब्रेकआउट अगर देखेंगे तो 1335 का आया था फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया एंड 1355 को एक कैंडल ऊपर की बना दी तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये कितने बजे की कैंडल है फोर्टीन थर्टी फाइव की कैंडल है तो यहाँ पे देखेंगे एंड देन अल्टीमेटली द ब्रेकआउट कैंडल विल बी फोर्टीन थर्टी फाइव जब ये स्विंग हाई क्रॉस कर दिया इसने एंड फिर उसके बाद तो कुछ कहना ही नहीं पंद्रह पंद्रह बजे की कैंडल तो वो जबरदस्त थी एंड ऊपर तक लेके गए अकॉर्डिंगली सिमिलर वे आप इसको फॉलो करके आराम से एक सुकून भरा ट्रेडिंग कर सकते हैं जितने लोगों को ऐसा नहीं पता रहता ना कि मैं कैसे करूं सर कहां करूं मुझे नहीं पता चलता नीचे जाएगा ऊपर जाएगा भाई इसकी मदद ले लेना यार और क्या करके दूं बताना जरूर ठीक है बट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग दिस वैल्यू है, दिन में एक बार यहाँ चेक करना है सुबह और एक बार दोपहर में चेंज करना है उसके हिसाब से आपका ब्लॉक को ट्रेडिशनल में पुटअप करना है हमेशा जिंदगी तमाम के लिए नहीं है बिकॉज वॉलिटिलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग what makes मेक्स दिस a लिटिल bit डिफिकल्ट राइट फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू मैनेज द शो ठीक है समझ में आई बात और रिपेंटिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो तो देखो ए टीआर बेस्ड टेक्निक्स यूज करोगे आप ए टी आर रखोगे तो रिपेंट हो जाएगा आप यहाँ पे ए टी आर नहीं रखोगे ट्रेडिशनल कर दोगे जैसे अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल फिफ्टीन आ रहा था मैं यहाँ पंद्रह कर देता तो यहाँ पे हो गया हो गया वैसे ही आ गया ना अब यह रिपेंट नहीं हो सकता बट वो वैल्यू लाने के लिए तो तुमको कुछ करना पड़ेगा ना एंड दिस इज हाउ इट गोज फॉर यू नो आप अगर यहाँ पे ए टी आर ट्वेल्व यूज कर रहे हो तो देखो ये ये आपको मैंने एक टेक्निक बताई अब जैसे क्रूड ऑयल करना है तुमको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है ये क्रूड ऑयल कर लिया भाई ये देख लो ब्रेकआउट तगड़ा अब रिलायंस में ट्रेड करना है तुमको रिलायंस नहीं समझ में आ रहा रिलायंस देख लो आप लास्ट में ये ब्रेकडाउन आया था नीचे नीचे ब्रेकडाउन आया है कौन सी कैंडल है कितने बजे की कैंडल 1355 एंड इफ यू सी हियर तो यहां से ब्रेकडाउन आया 1355 की के कैंडल में और कंफर्मेशन इधर आई तुमने मार दिया इसको यहां पे पैसे बना के ले गए कितना ब्लॉक है 2.5 हो गया काम सो दिस इज हाउ यू मैनेज द शो माय डियर फ्रेंड्स एंड गो फॉर इट आई वांट यू टू ग्रो ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आई एम नेचुरल गैस करनी है

प्यार बना के रखिए और भी एडवांस टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा गोवा के लिए अगर रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर कर लीजिएगा वीकेंड प्रोग्राम करना चाहते हैं रजिस्टर कर लीजिएगा टेक केयर गुड रात्रि लव यू ऑल अपने भी सोने का वक्त हो गया है जा रहे हैं अब बाय